तो आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि मैंने अपने जो कोडिंग करियर है उसमें कितनी सैलरी किस स्किल पे मतलब ली है, मतलब जो सैलरी थी उस टाइम पे मैं क्या स्किल सेट था, मैं क्या प्रोफाइल पे काम कर रहा था, बेसिकली ये सारी चीजें, और इनमें कितना टाइम लगा कि इस सैलरी से इस सैलरी जाने में कितना टाइम लगा, क्या क्या चीजें सीखनी पड़ी, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर समझेंगे। थोड़ा सा लिख के बताऊंगा, डेफिनेटली पहले फर्स्ट टाइम होगा मेरा इस तरीके का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताना, आगे और भी ऐसी चीजें लेके आएंगे। ओके, और अगर आपको ये लगे कि भाई ज्ञान दे रहा है फालतू का, तो डेफिनेटली मत देखना, क्योंकि ना मुझे ज्ञान की बातें पसंद है। डेफिनेटली वही चीजें बताऊंगा जो मैंने फेस की हैं, और एक होता ना, एक लो लेवल सैलरी से एक लेवल पे आया हूँ। हाँ, बहुत करोड़ों की लाखों की नहीं है, बट ये समझ लो कि इस वीडियो में मैंने बताया है कि एक ऐसी सैलरी होती है जो हर किसी का ड्रीम होता है, जिसे हम बोलते हैं 1 लाख रुपए की सैलरी। तो उसके बारे में बात करेंगे, कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके आगे आपका क्या स्कोप रहता है, कौन सी टेक्नोलॉजी करनी है, वो सारी चीज इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज है, हम सबका एक टारगेट होता है, हम सबका एक टारगेट होता है। देखो, मजाक से हटके बात करते हैं, एक टारगेट होता है सबका कि हमें ना मंथली ये अमाउंट कमाना है। ओके, ये अमाउंट तक हमें पहुंचना होता है। जो मेजोरिटी में लोग जो हैं वो यहां तक नहीं पहुंच पाते, मैं देख रहा हूं इंजीनियरिंग के बाद ना बहुत दिक्कत आती है, मैंने भी झेली है। ये अमाउंट हमें मिल जाता है तो हमें लगता है कि हाँ, हम अपनी फैमिली को बेटर लाइफ दे सकते हैं। अगर ये मंथली हम कमा रहे हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इस अमाउंट का मतलब ये है कि अगर आपके अकाउंट में ये क्रेडिट हो रहा है, ओके, अगर आपके अकाउंट में ये क्रेडिट हो रहा है, डेट मीन्स कि आपका जो पैकेज होगा वो मंथली इससे ज्यादा होगा, ये क्रेडिट होना चाहिए। ओके, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इन एंड बोल लो कि इन एंड इतना होना चाहिए जो आपके हाथ में आना चाहिए हर मंथ। अब इस अमाउंट को कमाने के लिए आपके पास कम से कम 1.5 लाख है ना, ये कुछ होना चाहिए अमाउंट जो आपका सीटीसी पॉइंट से होना चाहिए। इस अमाउंट को मैंने अचीव किया। अब इस अचीवमेंट में मैंने क्या क्या चीजें, क्या चीजें सीखी, किस ईयर पे कितना मैं जानता था और मेरी प्रोफाइल क्या थी, ये सारी चीजें समझेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। जिन लोगों को हेल्प करें ये सारी चीजें, उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग ऑलरेडी इस चीज को अचीव कर चुके हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये अमाउंट हमारी शुरुआत होती है अच्छे करियर की। इसके बाद फिर हमारा करियर ग्रो होता जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ से कितना भी कम इंक्रीमेंट आपको मिलता है ना, तो एक अच्छे लेवल का इंक्रीमेंट मिलता है। 40% 50% भी आप स्विच कर रहे हो ना, तो 40% पे भी अगर आपको स्विच में 50% भी इंक्रीमेंट मिल रहा है ना, तो काफी अच्छा होता है इस अमाउंट पे पहुंचने के बाद। तो अपनी पहले कहानी में अपनी बताता हूँ कि मैंने कैसे क्या किया। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं सैलरी, और यहाँ पे स्किल्स या फिर बोल सकते हो जो भी टेक्नोलॉजीज टेक क्या यूज कर रहा था उस टाइम। सबसे पहली जो सैलरी थी मेरी वो 13K थी। उस टाइम पे मैं काम कर रहा था एंड्रॉयड नेटिव, और बोल सकते हो कि मैं बिगिनर था एंड्रॉयड नेटिव में। काम करने के बाद चीजें समझ में आ रही थी, बट बेसिक नॉलेज थी। ओके, क्या थी, बिल्कुल बेसिक नॉलेज। फिर मेरी जो अगली सैलरी हुई वो हुई 18K, और इस जॉब को ज्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि काम खत्म हो गया था। जिस पे मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था वो ओवर हो चुका था और स्कोप नहीं था ज्यादा, काम भी नहीं था, तो आराम से मतलब स्विच करने के लिए उन्होंने खुद ही बोल दिया था कि आप स्विच कर सकते हो क्योंकि काम ज्यादा नहीं है। तो इससे ज्यादा इस यहाँ से ज्यादा मुझे 6 महीने का गैप था, ज्यादा नहीं। फिर मेरी जो अगली प्रोफाइल आई वो भी एंड्रॉयड थी, बट प्लस मैं RN को साथ में सीख रहा था साइड में। और जैसे ही मैंने सीखना स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने क्या किया सीखना स्टार्ट किया RN, तो मुझे एक फायदा क्या हुआ कि मुझे ना यहां पे प्रोजेक्ट मिलने लग गए। किसके साथ, RN के साथ। तो मेरी यहाँ पे रिएक्ट नेटिव की जो वो थी है ना, बोल सकते हो एक्सपीरियंस था, वो यहाँ पे बढ़ने लग गया था।
तो मेरी जो अगली सैलरी हुई, देखो ज़्यादा गैप नहीं आया, 25K थी, बट मुझे यहाँ से मेरी प्रोफाइल चेंज हो गई, ये प्रोफाइल होगी मेरी रिएक्ट नेटिव डेव की। अब जब रिएक्ट नेटिव डेव की मेरा करियर यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो अगली सैलरी जो मेरी 25K के बाद जो मेरी अगली सैलरी थी ना, वो सैलरी मेरी सीधा 68K थी पर मंथ। यहां से यहां गैप देखोगे तो गैप था 1 ईयर, ओके, एंड 1 ईयर के बाद मेरा जो मैंने एक साल यहां करी सेम सैलरी पे, और इसके बाद फिर 68K, और यहां पे मेरी प्रोफाइल थी वो थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट काम सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जैसे R&Dev पे था, ओके, इतना समझ में आया। अब इसके बाद मेरी जो अगली प्रोफाइल थी, ओके, यहाँ बात करते हैं कि मेरी जो अगली सैलरी थी वो सैलरी थी मेरी जो करेंट कंपनी है बेसिकली, जिसमें सैलरी मैं आपको एक अप्रोक्स दे देता हूँ कि यहाँ पे मेरी 1,00,000+ मंथली क्रेडिट होता है। अब अगर ये क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब क्या है, CTC में बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसमें आपका PF भी होता है, प्लस टैक्स भी कटता है, प्लस वेरिएबल अमाउंट भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टैक्स तो रिटर्न ला सकते हो, PF भी आपका सेविंग है, तो कुल मिला के फिर ये मंथली अच्छा खासा हो जाता है। बट अगर आप, ये हमारा एक अचीवमेंट वाला पॉइंट होता है कि अगर आप 1,00,000 रुपये मंथली कमाने लगे हो, यहाँ पे मेरा जो बोल सकते हो टेक्नोलॉजीज हैं वो मैं रिएक्ट वेब के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ओके, रिएक्ट मतलब रिएक्ट वेब हो रहा है, प्लस यहाँ पे RN रिएक्ट नेटिव यूज़ कर रहा हूँ, प्लस देखो बैकएंड प्रोफाइल नहीं है, नहीं मैं बैकएंड वाला कुछ काम करता हूँ, बट डेफिनेटली यहाँ पे मुझे SQL की नॉलेज प्लस GraphQL, ओके, प्लस यहाँ पे मतलब GraphQL हो गया, ये सारी चीजें होगी, तो मुझे ना थोड़ा सा यहाँ पे बोल सकते हो कि बैकएंड की नॉलेज यहाँ से मिल रही है, और पहले से भी मैंने ऑलरेडी चैनल पे भी बैकएंड के वीडियोस डाले हैं, तो डेफिनेटली मुझे काफी कुछ यहाँ सीखने को मिल रहा है। अब अगर मैं मान लो आगे जाके अगर मैं कभी जॉब स्विच करता हूँ, ओके, जस्ट सपोज अगर मैं जॉब स्विच करता हूँ, तो यहाँ पे 1,00,000+ है। अगर आप यहाँ से भी, अगर 1,00,000+ के हिसाब से भी कोई पैकेज आप मान रहे हो, तो मान लो कुछ भी है तो 20K अराउंड कुछ होगा। अब अगर अगला पैकेज अगर मैं मांगता हूँ, जस्ट सपोज, ओके, कि अगर मैं सीखता हूँ, मेरी जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, जो मेरी प्रोफाइल है भाई वो प्रोफाइल तो मेरी हो जाएगी फुल स्टैक की, क्योंकि मुझे बैकएंड भी आने लगा है ना, और जब मेरे को बैकएंड आने लगा है तो मैं यहाँ पे फुल स्टैक को टारगेट कर सकता हूँ अपनी जॉब को, और जब मैं फुल स्टैक को टारगेट करूँगा तो मेरी सैलरी में कितना भी देखो 40% 50% भी इंक्रीमेंट मिलता है या कुछ भी मिलता है, XYZ इंक्रीमेंट मिलता है, तो ये तो पता है कि यहाँ पे तो पहुँचा जा सकता है, ओके, दिस इज अचीवेबल, ये अचीवेबल है। अगर आप यहाँ पहुँचते हो तो पहला हमारा टारगेट क्या है कि अगर हम 1,00,000 रुपये पे भाई पहुँच गए ना मंथली किसी तरीके से घिस के, तो फिर ये अमाउंट ना हमेशा बढ़ता जाता है, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000। अब इस हिसाब से पहुंचोगे कैसे, यहाँ 1,00,000 कैसे पहुंचना है वो मैं आपको समझाऊंगा आगे, ओके। देखो सबसे पहली चीज है कि आपको बुरी लगे या भली लगे, मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि आप मल्टी टैलेंटेड बनो। मल्टी टैलेंट का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, फ्रंट एंड भी कर रहे हो, साथ में बैक एंड भी, किसी ने बोल दिया कि सब कुछ आना चाहिए तो बैक एंड भी आ गया भाई, किसी ने बोल दिया चलो एक काम करो डेवऑप वाला काम भी सीख लो, डेवऑप का मतलब आप CI CD सब कुछ सीख रहे हो, सब कुछ कहानी लपेटे जा रहे हो जो भी आ रहा है, क्योंकि इंटरनेट पे तो नॉलेज भरी पड़ी है भाई, हम सब कुछ पढ़ लेंगे, हमें यूट्यूब पे सब कुछ मिल रहा है। बट एक चीज समझो, इसको अभी आप ऐसे ना लेके, मतलब ये आपका फ्रंट एंड हो गया, ये बैक एंड हो गया, ये डेवऑप, ऐसे ना करके हम कैसे लेके चलते हैं। देखो यहाँ पे आए हम और यहाँ पे जाके हमें एक पॉइंट अचीव हो गया, मान लो एक हमारा माइलस्टोन मिल गया कि हम स्टेबल हो गए, एक टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे पकड़ी
मान लो जस्ट सपोज आर एन, मैंने रिएक्ट नेटिव पकड़ी, जस्ट सपोज मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा कि यार चलो ठीक है मेरा आर एन तो चल ही रहा था, मैंने प्लस कुछ ऐड कर दिया, जैसे मान लो मैंने रिएक्ट ऐड कर लिया। अब मुझे एक थोड़ा सा और हो गया कि मैं ऐसी टीम में काम कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे वेब एंड दोनों की नॉलेज है। अब यहाँ पे आपके रिएक्ट मतलब आर एन के साथ कोई और टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि आप वेब पे काम करो, बट कोई दूसरी चीज जो आप सीखना चाह रहे हो जो जिसको हम रिएक्ट नेटिव के साथ कहीं ना कहीं मर्ज कर सकें, तो उसको उसके बाद सीखना है, उसके साथ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पहुंच गए आप, यहाँ पे आप स्टेबल हो ही चुके थे तो आपको सैलरी की टेंशन ज्यादा नहीं है, यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट अच्छा मिलेगा। यहाँ से जाने के बाद फिर आप बोलो कि चलो ठीक है एक काम करो मैं बैकएंड भी सीखता हूँ, क्योंकि बैकएंड की नीड हर जगह, चाहे आप वेब में हो चाहे आप मोबाइल में हो, बैकएंड आपको चाहिए ही चाहिए। और जब आप खुद के प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, चाहे वो खुद के सीखने के लिए कुछ भी है, तो बैकएंड वाला बंदा फिर आपको अलग से हायर करना पड़ता है, या खुद के सीखने के लिए आप एपीआईज कैसे बनवाओगे, आपके पास पे करने का अगर पैसा नहीं है, कुछ भी इशू है, तो बैकएंड सीखना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप प्रो बन जाओ, इतना सीख लो कि खुद के काम में बैकएंड लगा सको। जब ये सारी चीजें आप कर लेते हो तो यहाँ जाके एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें सीखो डेवऑप्स वाली, जैसे कि आपने CI/CD सीख लिया, एजोर वगैरह, किस तरीके से पाइपलाइन मैनेज कर रहे हो, टीम, मतलब बहुत सारी चीजें। तो यहाँ जाके आप फुल स्टैक में भी जा सकते हो। फुल स्टैक या फिर आप लीड में जा सकते हो, कि मान लो मैं लीड, मेरे 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो मैं लीड में भी जा सकता हूँ। अब ये सारी चीजें जब ही होंगी भाई, जब आप स्टेबल होगे, पहले आपने एक टेक्नोलॉजी सीखी, फिर उस टेक्नोलॉजी का यूज करके आप दूसरी टेक्नोलॉजी का मर्ज करके आपने कुछ सीखा, फिर ऐसे करते 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 अगर आप ऐसे चलोगे ना, ऐसे 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 ऐसे, भाई कुछ नहीं होने का, क्योंकि इसमें भी तो आगे कुछ लेवल होगा ना, वो तो आप जा ही नहीं रहे हो, टाइम लगेगा। बट ये अमाउंट अगर आपने मंथली कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसमें ना हर साल 1 लाख रुपए, मतलब हर स्विच पे 1 लाख रुपए महीने बढ़ाने की स्कोप है, समझ रहे हो? 1 लाख से 2 लाख जाना बहुत बड़ा तोप नहीं है, बहुत बड़ा तोप नहीं है। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि हर बंदे को 2 लाख बढ़ी जाएगा, बट तोप नहीं है ये अचीवेबल अमाउंट है। ओके, क्योंकि 1 लाख का मतलब ये CTC नहीं है, इनहैंड है। CTC आपकी ज्यादा होती है, तो CTC जब ज्यादा होगी तो उसमें आप 40% 50% भी इंक्रीमेंट करवाते हो ना, तो आराम से फिर ये मिल सकता है। मेरी बात ध्यान से समझना, और मैं इसमें कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि फेंक रहा हूँ, फेंकने की बात ही नहीं है, ये अचीवेबल है। मैं भी उसी लेवल पे हूँ भाई, मैं आप लोगों के लेवल पे ही हूँ, बट मुझे समझ में आता है कि मैं क्या चीजें कर सकता हूँ, तो मैं तभी आप लोगों को बोलता हूँ। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैं वो चीज अचीव कर ही नहीं सकता और मैं आपको फेंक के बोल दूं कि नहीं भाई 5 लाख रुपए महीने पे जॉब से कमा लेंगे। भाई ये चीज के लिए टाइम लगता है और हर बंदे की बस की बात भी नहीं है इतने टाइम तक पेशेंस रखना, ठीक है? बट मैं ये बोलता हूँ कि हाँ 1 लाख रुपए करने के बाद 2 लाख और 3 लाख तक जाया जा सकता है, 45-50 लाख के पैकेज पे आप जा सकते हो, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि नहीं हो सकता। और इस चीज के लिए मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आपको DSA करना है, कंपटीशन में घुपना है जहां पे लाखों लोग घुसे हुए हैं, वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई फ्रेमवर्क भी, अगर आप किसी फ्रेमवर्क पे भी काम कर रहे हो ना, तो चाहे वो वेब हो, मोबाइल हो या बैकएंड हो, अगर आप फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो तो थोड़े एफर्ट डाल के आप यहाँ पहुंच सकते हो, धीरे 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 पेशेंस रख के। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे तो सीधा 40 LPA चाहिए, तो भाई मैं बता दूं ना, इस 40 LPA के लिए ना लाखों लोग हैं, उस कंपटीशन में घुसना पड़ेगा जहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहोगे। सेफ राइट क्या होती है, मैंने सच बताऊं मैंने कभी ना ये सीख रही है। अगर मैं इतनी सारी चीजें कर सकता हूँ तो मैं DSA भी सीख सकता था, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि LinkedIn पे आप देखते हो हजारों स्टूडेंट हैं जो LinkedIn पे जाके कि मैंने ये कर दिया, मैंने 1000 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं भी कर सकता था भाई, बट मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता है कि ये अमाउंट जो है ना, ये मेरी इस टेक्नोलॉजी से भी अचीवेबल है और मैं शांति से वो चीजें कर रहा हूँ जो कर सकता हूँ। ओके, तो
अब आपको क्या करना है, एक ही एडवाइस है बस मेरी साइड से, अगर आप मुझे बड़ा भाई मानते हो इस चीज के लिए एक एडवाइस है, वर्क हार्ड प्लस राइट डायरेक्शन। ओके भाई, अगर ये कर लिया तो ये अमाउंट जो आप अचीव करना चाहते हो, चाहे वो 1 लाख हो चाहे 2 लाख हो, हर अमाउंट अचीव किया जा सकता है, बट राइट डायरेक्शन में ही चलना। फालतू गुरुओं के चक्कर में, फालतू लोगों के एडवाइस कुछ मत मानो। अगर आपको मेरी बात भी ज्ञान लगती हो तो मत मानना, ठीक है, बट एक ही चीज समझ लो, लास्ट में मैटर जो करती है वो यही चीज है। इसके लिए ना तो आपको किसी दूसरे की ज्ञान की जरूरत है, ना एडवाइस की जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। एआई भी नहीं करेगी, आपकी मशीन कोई नहीं करेगी, ये आपको खुद करना पड़ेगा। और ये खुद होगा कैसे, ये अच्छे से पूरा प्लान बनाओ, अच्छे से काम करो, टारगेट्स बनाओ कि मुझे ये सैलरी लेनी है तो मुझे ये सीखना पड़ेगा, ये सारी चीजें काम करो। देखो मैंने 1 या 2 साल एंड्रॉयड में काम किया, उसके बाद रेड नेटिव में ही काम किया है, मैंने कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं किया, बस उसके अंदर अंदर और सारी चीजें सीखता गया और जैसे जैसे जो रिक्वायरमेंट पड़ी उसके हिसाब से सीखा, पहले से कुछ बहुत ज्यादा सीख के नहीं बैठा, एंड उसके हिसाब से यहाँ पे आया हूँ और आगे भी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ेगी चीजों को सीखता रहूंगा, एंड उसके बेस पे सैलरी बढ़ती रहेगी अगर मैं जॉब ही करता रहूंगा तो। ओके, तो आप लोग भी ऐसे अच्छे से प्लान करो और किसी पे डिपेंड मत रहो, किसी के फालतू ज्ञान को मत सुनो, किसी के फालतू एडवाइस की नीड नहीं है आपको, सिर्फ खुद पे काम करने की जरूरत है। सेल्फ रेटिंग करो एंड सेल्फ रेटिंग के बेस पे जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, जो स्किल्स पे काम कर सकते हो वो करो। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प जरूर करेगा कुछ ना कुछ, एंड अगर अच्छा लगे कि कुछ ना कुछ इसमें नॉलेज शेयर की है मैंने, तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।